हे फ्रेंड्स, दिस इज रिदम अग्रवाल फ्रॉम मैमसी। तो ये वीडियो है जो स्टूडेंट्स जो अभी नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइज, तुम लोग अभी ना बहुत अमेच्योर हो बोल सकते हैं। तुम लोग क्लास इलेवन में हो। क्लास इलेवन ना यार सबसे डिफ़िकल्ट क्लास होता है, बिकॉज क्लास टेन से क्लास इलेवन का जम्प सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो तुम लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करो कि तुम लोग नीट के लिए परफेक्टली अपने आप को स्ट्रैटेजाइज कर सको और नीट में तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा है। सबसे पहले यार, तुम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को अपने आप से डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। एक गलती बहुत लोग ये करते हैं कि तुम लोग एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हो। मैंने क्या गलती की थी, मैंने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया था। मेरी फिजिक्स इंप्रूव हो गई थी, लेकिन बायो और केमिस्ट्री बहुत वीक रह गई थी। तो इससे तुम क्या कर सकते हो, क्या सीख ले सकते हो मेरी गलती से, कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को जितना टाइम देना चाहिए उतना दो। इक्वल टाइम नहीं, जितना टाइम देना चाहिए उतना दो। तुम लोग कोचिंग सेंटर्स जाते हो, मेजॉरिटी ऑफ लोग कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर चुके हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ते होंगे, लेकिन हर एक बायोलॉजी वाला टीचर ना तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाता होगा, एनसीईआरटी के बाहर बहुत ज़्यादा पढ़ाता होगा। लेकिन तुम लोग यार अभी क्लास इलेवन में, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तो एनसीईआरटी ही आती है नीट में। तुम लोगों को कोचिंग वाला टीचर जितना भी बोल दे कि नहीं नहीं पढ़ना एनसीईआरटी, मेरे नोट्स सफिशिएंट है, मेरे नोट्स के बाहर कुछ नहीं, हाँ उसके नोट्स के बाहर कुछ नहीं आ सकते यार। लेकिन एक बंदा तुम्हें प्लांट एनाटॉमी या प्लांट मॉर्फोलॉजी के लिए एक मोटी किताब भरा दे, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसके नोट्स के बाहर कुछ आ सकता है? हम लोग, मुझे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाया गया था ना, अभी भी एमबीबीएस में भी इतना नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाया जाता है जो रेलेवेंट हो, क्लिनिकली जो रेलेवेंट हो, लेकिन मुझे इतना नहीं पढ़ाया, इतना ज़्यादा फैक्ट्स नहीं पढ़ाया जाता, इतने ज़्यादा साइंटिस्ट के नाम नहीं पढ़ाए जाते। क्या फ़ायदा यार, वो साइंटिस्ट के नाम तुम्हें कभी पूछे नहीं जाएंगे कभी नीट में। जो एनसीईआरटी के साइंटिस्ट के नाम है ना, समरी स्टार्टिंग के पेज में जो छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें जो सा तुम्हें अगर पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है ना, तो वो पढ़ो। जो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, उसके जन्म डेट से उसके मरण डेट तक पढ़ो। उसके वो कौन से कॉलेज में जाके पढ़ा है, उसका सिटी ऑफ बर्थ कौन सा है, वो सब रटो, वो सब इंपॉर्टेंट है। 2018 में आया था मेंडल का बर्थ डेट, 2017 में एक क्वेश्चन था कि मेंडल है वो कितने साल तक अपने उसमें रिसर्च किया था, ठीक है, एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जेनेटिक्स जो तुम लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, वो 7 ईयर्स है। तो वो एक प्रॉपर डेट था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 1950 से 1957 समझ लो, ठीक है, यही रेंज था उसके डेट का। ऑब्वियसली मैं भूल जाऊंगा यार, साल डेढ़ साल हो गए एनसीईआरटी पढ़े हुए, तो मैं मुझे थोड़ी याद आएगा, तुम्हें याद करना है। तो तुम लोग समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की ईच एंड इंडिविजुअल लाइन। तो तुम लोग जब कोचिंग जाते हो तो तुम लोग वो पढ़ना वो है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना। फिजिक्स में यार अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैंने वीडियोज़ पहले बनाई है उसमें भी बोला है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत छोड़ना। तुम लोगों को डिफिकल्ट लगेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन एक बार तुम लोग कॉन्सेप्ट समझने लग जाओ ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते, तो तुम लोग आराम से कर लोगे। तुम लोग अभी से भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारा आराम से हो जाएगा। केमिस्ट्री में तुम लोग क्या करोगे, केमिस्ट्री में तुम लोग फिजिकल में क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना, इन एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी अगर अच्छे से समझ के कर लेना, तुम्हारे लिए केमिस्ट्री बहुत है। मेरे दूसरे वीडियो देख लेना, मैंने इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना वो भी बताया है। लेकिन बस इस वीडियो में बस तुम्हें मैं ये मोटिवेट करना चाहता हूँ कि तुम्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोलते ना कि तुम्हें इतने घंटे पढ़ना है, यार तुम लोगों का टाइम टेबल मैं नहीं बना सकता, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग टाइम है, इतना अलग टाइम ऑफ स्टडी है। तुम कितने लोगों के लिए कोचिंग से स्कूल से घर का ट्रांसपोर्टेशन टाइम अलग है, अभी तुम लोग सब घर में बैठे हो, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का टाइम अलग है, सबका कोचिंग का टाइम अलग है। तो मैं तुम्हें इंडिविजुअली वो थोड़ी बता सकता हूँ कि तुम्हें कितना घंटा देना है। तुम्हें खुद से पता होना चाहिए कि मुझे जो अगर कोचिंग से तुम पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में ये चैप्टर हो गया, मुझे एनसीईआरटी घोटना है उसके चैप्टर का। तुम्हें कोचिंग के उस चैप्टर्स के साथ साथ है ना, अगर केमिस्ट्री में वो फिजिकल का वो चैप्टर हो गया, तो तुमने वो क्वेश्चन सफिशेंटली कोई प्रैक्टिस किए हैं? जो केमिस्ट्री में जो चैप्टर हुआ तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, अपने आप से वो क्वेश्चन पूछो। अगर तुम्हें लगता है हाँ मेरे से हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तब तुम्हारा वो चैप्टर का प्रिपरेशन हो रहा है। फिजिक्स में दिन में प्लीज़ 45 क्वेश्चन कर लो, नो डाउट्स, नो क्वेश्चन आस्क्ड। चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, स्कूल की क्लासेस जाना छोड़ दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार स्कूल की क्लासेस से। इंग्लिश बस करो, इंग्लिश भी अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है, नहीं तो सीबीएसई की इंग्लिश मजाक होती है, बहुत सिंपल होती है, कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ भी लिख के आ जाओ, नंबर आ जाएंगे। नीट में तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स पूछे जाते हैं, कहीं पर भी नहीं पूछे जाते ना, बस घर वालों के सेटिस्फैक्शन के लिए लाना चाहते हो, राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तो तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ के और वो करके कोचिंग जाके तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाएगा। जो जो बुक्स चाहिए वो सबकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो बुक्स पढ़ो, ज़्यादा बुक्स मत पढ़ो। इलेवेंथ की बुक बच्चे का क्या होता है मैंटेलिटी कि मैं सारे बुक्स कर लूँगा, नहीं यार एक बुक करो, लेकिन उस बुक को कम्प्लीटली करो।
हर एक बुक का नॉलेज सेम होता है यार। नीट में पर्टिकुलरली 400-500 क्वेश्चन है पर चैप्टर, उसके बाहर से वो क्वेश्चन आते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट्स ही इतने हैं पर चैप्टर, और तभी भी तुम लोग अपनी मरवा लेते हो। क्यों मरवाते हो? क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, समझे? मैंने भी नहीं पढ़ाई की थी, इसलिए हुआ था मेरा। इसलिए आराम से पढ़ाई करो, मज़े से होगा नीट। ठीक है गाइस, थैंक यू, और शेयर करना।